हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और बच्चों में सिर्फ नंदनी और सार्थक जगे, बाकी सब जो है अभी सोए हुए हैं। ये छोटू की रोज़ रोज़ खुलने की आदत कैसी बन गई और कैसा खुलने लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। रोज़ खुला हुआ ही मिला है, जब भी नीचे आऊँ मैं ये देख लो फिर खुल रहा। नहा धो लिया फिर भी इसे तसल्ली नहीं है। और आज माँ की ड्यूटी है इन्हें नहलाने में। ये देखो माँ लगी हुई है और माँ ये कह रही थी कि दवाई आज भी लगाओ या नहीं। पिताजी कह रहे जब ही कट सके राडा जू होगा, जब सबका लगे एकदम से। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से माँ का मन नहीं मान रहा। ये छोटू पता नहीं इस रेड़ा गाड़ी के साथ में क्या करना सोच रहा क्या नहीं। देखो सुबह सुबह इसकी शरारतें शुरू होगी और माँ ने जो है आज इन्हें सब नहला दिया। गुड मॉर्निंग। दास से बीच का कर रही है गुड मॉर्निंग भी। सुबह के 8 बजे इतनी तेज गर्मी है बहुत ज्यादा। और अभी नहा आके पूजा कर ली है मैंने, अभी प्रीति कर रही है और अब बनाएंगे चाय क्योंकि बाकी बच्चे जो है सब जगकर नीचे आ गए हैं। गुड्डू आज तेरी तबीयत कैसी रही बेटा? आज ठीक है। आज तबीयत बहुत ठीक है इसकी और आवाज भी थोड़ी सी कड़क निकल रही, नहीं तो बहुत ही उदासी। कल आपने देखा ही होगा मैंने पूछा बेटा आपकी तबीयत कैसी, तो कह रही ठीक है। पेट दर्द की पेन किलर जो होते हैं वो ले रही थी अब तक, तो अभी जो है इसका ट्रीटमेंट चलेगा तो ये ठीक हो जाएगी। बच्चों ने बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रखा है क्योंकि अभी जग कर आए हैं तो थोड़ा खेल रहे थे वो। ऊपर में गई तो फ़ोन देखने लगे, उठते ही तो मैंने फिर डांटा तो सारे के सारे नीचे आ गई। जब तक नहाएंगे तब तक हमारी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी, तो चलो जी चाय बनाते हैं। उधर माँ ने सब्जी भी काट कर रख दिया है आलू बैंगन की, तो आलू बैंगन की आज सब्जी बनाएंगे। तो थोड़े से चावल बना लेंगे और गुड्डू के लिए बना दूंगी तोरी। तोरी रखी हुई है क्योंकि अर्जुन भैया बहुत सारी सब्जियां हरिता जी लेकर आए थे। तो अभी यहाँ पे बन रही है चाय और प्रीति करेगी खाना जी के लिए दूध गर्म। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कह रही हूँ खाना जी का मुंह सा चढ़ रहा। तो बेचारे 5 बजे तो उठ जाते हो ना, तो भूख लगी जाए इस टाइम भूख का इंतजाम। इसमें क्या है, कल गई थी ना पंचमेवा खत्म हो गई थी। अच्छा तो इसमें ना धरिए, मैंने रसोई में रखी थी खाली सारी बच्चों ने। मैं ही डिब्बे में करके उसी में रखा। हाँ, वही रख लिए। हाँ, मंदिर में रखो। ये बच्चे उनका कुछ पता नहीं लगता, दोपहरी में कुछ ना कुछ टोते फिर हो जाएंगे। ये बनेगी अभी गुड़ की चाय, तो गुड़ डाल देते हैं इसमें। छोड़ दो जी, एक डली में से थोड़ा और डाल लूंगी क्योंकि दूध भी तो डलेगा। फिर गर्मी इतनी ज्यादा है बहुत ज्यादा और सुबह से ही पसीने छूटने शुरू हो लिए, नहा के भी ऐसे ही हो रहे जने नहा ही नहीं। देखो सारे कपड़े गिल्ले हो गए। और अभी जब तक चाय बनेगी ना तब तक टमाटर और प्याज काट लेते हैं क्योंकि सबकी चाय बनने में एक साथ टाइम लगेगा। तो जब तक ये मटेरियल तैयार होगा भाई सब्जी का, उससे पहले जो नाश्ता है वो मैं दिखा दूं। पूरी जनता पार्टी का नाश्ता एक ही समय हो रहा आज। तो बच्चे खा रहे हैं पप्पे। तो क्या खा रहे हो नंदनी आप? पप्पे खा रहे हैं। तो चा पप्पो का नाश्ता चल रहा भाई और सारी पंगत एक ही बार बैठ गई। और मन ने तो अरविंद ने अलग ही कर लिया था पहले ही, हमें भूख तावड़ी लग रही थी ना, हमने काम करे तो सब। अभी यहाँ पे नारे थे ये और तो भाई यहाँ पे बहुत तकड़ी फाइट चली, एक दो के तो लगे भी, बुरा ना मानियो जिस जिसके लगे भाई हैं। ये तो एक मजाक सही था। चाय पी के सबके गिले सिकवे दूर हो जाओ, आराम से पी रहे देख लो बैठ के कह रहा। पाइप चला रहे थे ड्राम में बैठे थे और फिर भी लड़ रहे थे। तो गर्मी ताबड़ तोड़ है, इन्होंने शीतल जल में नहा लिए सुबह सुबह। और किस किस का लगा भाई? आरुषि और सार्थक। आरुषि और सार्थक ओवर हो रहे थे कुछ एक्टिविटी में अपने, तो इन्हें खुराक मिल गई सुबह सुबह की। इन्हें खुराक मिलने के बाद अब ये खुराक ले रहे नाश्ते की। गुड्डू अपना परहेज रखिए, ठीक ठीक खाइए। हाँ ठीक है, चाय लवर तो ये है, इन्हें पी लें दो चाय। तो सार्थक जैसे कि तुम्हारे गाल पे चपद सी लगा नीलाक्षी के हाथ का, तो कैसा महसूस हुआ? कुछ अलग टाइप का था आज या रोज नु ही लगे भाई? बताओ जैसे नहीं शर्मा भाई है। इसकी मुस्कुराहट बता रही है जी, खुराक तो रोज मिला है। हाँ जो कभी कभी मिला तो क्या नाम मूड भी ओपर है। हाँ। तो इसका तो रोज। और उसके बाद जो है इसकी कमर में लगा धमे से पानी वेस्ट कर रहे थे, पाइप कहीं कहीं चला रहे थे और माँ ने तुम्हारी कमर में धमदे से धरा। नहीं इसका रखा तो पाइप चला रहे। इसके लगा इसके तो मैंने अपने अंकल से देखा और उसी का। अब तो चाटे लगने की भी आदत होगी। चाटे लगने की आदत होगी। तो आरुषि बेटा तो ज्यादा बुरा मत मानना, ये माँ के हाथ का धमदेसी है तुम्हारी कमर में। और बाकी आरुषि नहीं नंदनी,
अबे आरू सी गल्ला करता था। मैं रात का पाइप भी मार गया था ज्यादा जोर का लग गया। तो अभी जितने भी थाली में पप्पे थे वे सारे निपट चुके हैं। और लाओगे भाई? और रखे अभी तो टेंशन मत लियो, नाश्ता कर लियो फुल, क्योंकि खाना बनने में लगेगा टाइम। टाइम नहीं लगने का, चाय पीते काम शुरू खाना बनाने का। चलो सुबह के 9 बजे और मैं यहाँ पेड़ की छाव में बैठा रही। अभी आप देख सकते हैं गर्मी का आलम, पसीने पसीने हो रहा है आज। काले बादल आ जा तो बढ़िया, मजे ही आ जाएंगे सबके। गर्मी तो कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। पता नहीं मेरा गला धो रहा है, 3-4 दिन हो गए अंदर ही अंदर। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा? नहीं कुछ भी नहीं खा रही। जैसे कि मुझे रात खांसी हो रही थी, मैंने ना जब गला दर्द हो गया ना फिर खांसी जुकाम हो जा, तो सबसे पहले गला दर्द हो रहा। चूल्हे जलने का इंतजार कर रही और यहाँ पे सारी चीजें काट कर रख ली हमने। ये ले लिए बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च की सेप कुछ इस तरीके से कटवाई माता जी ने। ये देखो दोनों कहती ये हरी मिर्च डालिए, लाल मिर्च की क्वांटिटी जो है वो कम करिए। तो इंतजार है बस इसके जलने का, मगर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसमें कूँ कूँ करके। थोड़े सिलन से क्यों हो रही है गुस्से। चलो जी कढ़ाई चढ़ा दी क्योंकि जल गया इसमें चूल्हे में, और हवा इधर से तो आ गया थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन इतनी तेज गर्मी के सामने ये हवा भी कुछ नहीं लग रही। तो जी और भी ज़्यादा गर्मी होने से पहले सब लोग सोच रहे हैं घर के कि जल्दी जल्दी से काम निपट जाए, यानी कि कपड़ों का, बर्तनों का और खाने का। तो मैंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और माँ ने मैंने मिलके जो है सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। देखो भाई एक बार नाश्ता बनाएंगे फिर खाना बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और खाना बनाने की व्यवस्था सिर्फ अभी हमारे आंगन में यहीं पर है जो छाँव रहती है इस पेड़ की कनियर के। बाकी और कहीं चूल्हा कहीं भी रख ले मिट्टी का तो दीवारें जो है काली होती है, पेंट सारा खराब हो जाता है। इस वजह से फिर यहाँ पर जो है नई दीवार खराब हो, नई पेड़ खराब हो, और ये बीच में इसी वजह से रख रखा है हमने। कुछ दिन पहले मैंने दूसरी साइड में भी रखा था लेकिन वहाँ पे दीवारें जो है सांवली हो गई है, क्रीम कलर का पेंट हो रखा है ना दीवारों पे, तो वो सारा जो है ख़राब हो गया है। तो इस चीज़ से इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उधर घेर में भी बराबर काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो प्रीति लगी है कपड़ों की धुलाई में क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, 10-12 जने हैं हम लोग, तो रोज़ कपड़े और शाम के टाइम भी बच्चे बदलते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, तुम लोग वो कर लो। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई काम बटे हुए हैं, जिसकी जो मर्जी आए वो अपना कर लो। बस ये है कि काम निपटना चाहिए और गर्मी में कोई ना बाहर रहे, सब लोग जो है अपना एक दूसरे की मदद करके काम जल्दी निपटवा के सब अंदर चले जाएं अपना पंखों की हवा में, क्योंकि ये जून जुलाई की जो गर्मी होती है वो भयंकर तो मानी जाती है। तो ये है कि तेज़ गर्मी में कोई भी बीमार ना पड़ जाए, तो सबको एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो एक जने पे ही काम का बर्डन आ जाता है। तो यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी मैंने तैयार कर ली है और दूसरी सब्जी बनेगी, एक रायता बनेगा, चावल बनाऊंगी, रोटी सेक लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये वाली सब्जी बना लूँ, इसमें बनाने में भी टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी बनेगी। तो मिट्टी का चूल्हा अपनी जैसी आज देगा, मतलब धीमी धीमी उसमें मैं उपले लगाती रहूँगी टाइम से। तो सबसे पहले तो इन बैंगन को जो है अच्छे से मसालों में फ्राई कर लेते हैं, जब ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे तब मैं इनमें आलू मिक्स करूंगी उसके बाद में। तो यहाँ पर अभी ये पक गए थे तो इनमें आलू मैंने डाल दिए हैं और बस मुझे फिक्र यही रहती है कि धूप आने से पहले ही पूरा खाना बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फिर गैस के चूल्हे पे, वहाँ पे किचन में एक तो काम बढ़ेगा हमारा और ऊपर से जो है गर्मी यहाँ से ज़्यादा लगती है, यहाँ पे तो थोड़ी बहुत हवा का हमें सारा मिल जाता है। तो अब इनको आलू को मिक्स करके अभी एक बार और पका लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ग्रेवीदार सब्ज़ी बनाऊँगी ताकि पतली ना रहे ज़्यादा, क्योंकि कल ना कोफ्ते बनाए थे मैंने और बच्चों ने कोफ्ते बहुत कम खाए, वैसे टेस्टी बने थे लेकिन चिंकी को तो बस हर चीज़ के साथ में आलू की सब्ज़ी चाहिए होती है, इस वजह से उसने नहीं खाई। एंजल घर पर गई हुई थी पूजा के पास में तो वो नहीं थी यहाँ पर, नहीं तो बाकी सब ने खा लिए और शाम तक ना सब्जी बच गई थी। एक तो मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, हमने 3-4 जनों ने लौकी खाई, माँ ने, मैंने, गुड्डू ने, गुड्डू के पापा ने। तो यहाँ पर देखिए कुछ ही देर बाद हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है और चावल के हिसाब से ही मैंने सब्जी को बनाया। आलू बैंगन की सब्जी बनाते बनाते देखो धूप आ गई, लेकिन माँ कह रही रोटी सेक ला फटाफट से, चावल बाद में उबाल लिए क्योंकि चावल भी बनेंगे ज़रूरी गर्मी में ना। चावल एक तो सही रहे, फ़ायदेमंद रहे और बच्चे पसंद भी करें ऐसी चीज़ें। तरी वाली सब्जी बन जाना तो आराम से खा लेना, उन्हें कहते क्या बनाया क्या नहीं, अपना लगावे अपनी प्लेट में अपने आप और खावे। इधर कपड़ों की धुलाई भी होगी, प्रीति ने और निलाक से बहन ने कपड़े धो दिए सारे और पिताजी लस्सी देकर आगे घेर में से। चिंकी के बाल गूंध रही माँ और कई दिन हो गए चिंकी के बालों की जो वो है ढंग से ख़राब हो रहा, क्योंकि चिंकी ना खुद ध्यान नहीं कर पाती। तो चलो जी इसे तो ढक दो, दूसरे बर्तन में इसे रख देंगे फिर ढक के, और अभी रोटी सेक लेते हैं।
क्योंकि चावलों के साथ में फिर थोड़ी रोटी सेकनी पड़े। और चच्ची जी ने भी एक बार लगाई थी, आपके बाल कैसे हो गए थे मेहंदी लगा के? आपके बाल तो जी अभी सारे काम खाने पीने के सब फिनिश हो गए हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना खा लिया और हमने भी खा लिया लगे आती बच्चों के साथ में ही, क्योंकि ये बचा के भी तो दर्द है। तो चलो जी अभी मेहंदी लगवा लेते हैं और फिर मैं करूँगी कपड़ों पर प्रेस, और आज हमारी इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है एयरटेल का प्राइवेट ही लगवा रहे हैं। अब देखते हैं वो कैसी रेंज देगा, क्योंकि हमें हाई स्पीड चाहिए, नहीं तो एक एक व्लॉग जो है कई कई घंटे तक लगा रहता है, और हम लोगों के व्लॉग जो हैं एडिट तो टाइम से हो जाते हैं लेकिन अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये इस भारी समस्या कई महीनों से साथ में चल रही हमारे, आखिरकार आज हम लोगों को जो है थोड़ा सा सुकून मिला है सुन के कि आज इंटरनेट लग जाएगा। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना मत पूछिए, क्योंकि नेट जितना भी फ़ोन में होता था वो सब ये ख़त्म कर देते थे जितना भी जीपी आता था डेटा, और अनलिमिटेड डेटा जो है हमें मिलने वाला है तो कितना भी चलाए, क्योंकि हमें ऐसे ही डेटा की जरूरत है। आज है बहुत बड़ा दिन नेटवर्क के लिए हमारे यहाँ पे, और पिछले ढाई महीने से जो परेशान थे ना, तो हमारे यहाँ पे ना एयरटेल का नेटवर्क लग गया। और ये भाई आए हैं देवबंद से, और ऑफिस है इनका भगवानपुर रोडगी के पास में। तो भाई देखो कितनी दूर से मशक्कत करके, और हमने भी कोशिश पूरी करी है। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीपक भाई हैं ये। और अब इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, एक बार की तो ये लग रहा था भाई कि यहाँ पे नेटवर्क होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फाइबर तो यहाँ पे है नहीं, और हमने जो है वाईफाई लगवाया है, तो सक्सेसफुल रहा है। और आज से हम नेटवर्क पे फुल काम करेंगे, क्योंकि पिछले ढाई महीने से काम भी हमारा कम हो रहा है, अब तक अपडेट भी कम जा रहे थे लेकिन अब पूरे जाएंगे पहले की तरह। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद इन भाई साहब का, इन्होंने जो है हमारे यहाँ पे नेटवर्क चालू कर दिया। और ये तो बाट देख रहा है अपने पीसी की, हाँ भाई हो गया नेट ठीक है, अब वाईफाई भी चलेगा, मोबाइल फोन भी चलेगा, डेटा खत्म नहीं होगा, 2 GB के भरोसे नहीं रहोगे अब तुम। तो मेहंदी लगा दी और ये देखो कम पड़ गई थी इस साइड में, और इस साइड में कम नजर आ रही। तो चलो जी बाल वाइट तो है नहीं, लेकिन दिमाग में थोड़ी सी ठंडक पहुंचाने का जरिया था कि ठंडक सी हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही और हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहा, बाल टूट रहे, पता नहीं पसीनों की वजह से टूट रहे या किस वजह से। तो चलो जी अभी से 2-3 घंटे सर पर रखेंगे, थोड़ी सी ये सूख जाएगी। और अभी मुझे कुछ कपड़ों पे करनी है प्रेस, कुछ पे करी थी मैंने रात में, और ब्लॉग भी ये वाला एडिट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।